बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हरम ऑटो के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले भी जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें यही दिखाया गया था, झूठ और सच, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन में फ़र्क क्या है। ये मेरे आप राइट साइड पे ब्लैक कलर की अच्छी छिनट देख रहे हैं, ये 100% ओरिजिनल कंपनी फिटेड गाड़ी है। ये हमारे पास आई है ड्राई डेंटिंग के लिए, इसके फेंडर पर डेंट पड़ गया था, वो भी आपको दिखाया जाएगा। जैसा कि आपके इसके साथ में देख रहे हैं वो रेप्लिका है जो हमने हरम ऑटो ने हैंडमेड तैयार की है, और इसमें 19-20 का कोई फ़र्क नहीं है। जैसा कि आप कैमरे वीडियो में देख सकते हैं, इसके जो फेंडर फिट किए गए हैं सेम लाइक सेम फिटिंग बनाई गई है, ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ ही इसकी फिटिंग देख सकते हैं 100%, इसके एजेस वगैरह जो उनसे हैं वो LC6 बनेंगे। ये वीडियो बनाने का बेसिकली जो मकसद था ना, ओरिजिनल गाड़ी आपके साथ खड़ी की है, हमारी रेप्लिका जो गाड़ी तैयार खड़ी है उसके साथ खड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं डोर हैंडल जो इंस्टॉल हुए हैं कंपनी ने, जापान ने जो इंस्टॉल किए हैं कंपनी ने वो, और ये इसमें 19-20 का फ़र्क नहीं है। साइड मिरर पे बात करते हैं तो साइड मिरर भी 100% वही इंस्टॉल किया गया है, और इसके साथ साथ ही इसके जो वेदर स्ट्रिप्स हैं वो भी 100% जैसे कंपनी ने इंस्टॉल की है इसी तरह ही इंस्टॉल की गई है। इसका फेंडर क्रोम ट्रिम जो है सेम लाइक सेम 100%, ये जेन्युइन है, ये चाइना में इंस्टॉल किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ ही इसका फ्यूल टैंक की बात की जाए, ये फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं इसमें सेम लाइक जो LC600 का स्टेयरिंग इंस्टॉल किया गया है। डैशबोर्ड जो आप सबको पता है कि डैशबोर्ड पुराने मॉडल का लगता है, अभी LC600 का बना नहीं है, डबल LCD का इसमें एंड्रॉइड और सारा कुछ इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ साथ इसकी सीट पोशिश बड़ी खूबसूरती के साथ इसके ऊपर इंस्टॉल की गई है, और इसके साथ साथ ही आपको मैं जेन्युइन गाड़ी का रिव्यू भी देता हूँ। जेन्युइन गाड़ी में जो एंड्रॉयड इंस्टॉल है वो हम दूसरी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। इसमें जो LC600 का जो डिज़ाइन है सेम लाइक इसी डिज़ाइन का जो इंसान है, यही फिटिंग मेड इन चाइना में हम गाड़ी की अपनी दूसरी गाड़ी में फिट कर। आज तक किसी बंदे ने इस तरह की वीडियो नहीं बनाई होगी कि जेन्युइन गाड़ी साथ खड़ी करके, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि मैं जेन्युइन गाड़ी के साथ खड़ी करके आपको इसका रिव्यू दूंगा। हमारा जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था ना वो यही था कि कस्टमर की रहनमई करने के लिए कि ये जेन्युइन गाड़ी खड़ी है और ये नॉन जेन्युइन है, और आज तक किसी बंदे ने ना ये हैंडल फिट किए हैं ना ये जेन्युइन गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी करके आपको इसका रिव्यू दिया है। पहले टेस्ट ड्राइव करें उसके बाद हमें अपनी गाड़ी दें, और हम इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद बेहतर हम कोशिश करेंगे, जो चीज़ें इसमें कमियां रह गई हैं वो भी दूर करें। हमें अपनी गाड़ी दें, और इस वीडियो में जेन्युइन और हमारी रेप्लिका में अगर आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है, अगर किसी चीज़ में कोई कमी नज़र आती है, आप हमें कमेंट्स करें कि हमें हमारी रहनुमाई के लिए हमें बताएँ कि ये चीज़ आपने यहाँ से फ़र्क डाला है, यहाँ से ये चीज़ इस तरह की नहीं, इस तरह बननी चाहिए, और इसमें कोई अगर आप चेंजिंग चाहते हैं वो भी हम करके देंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा काम अच्छा लगा हो, तो एक मतलब हर मतलब को विजिट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हर आने वाली वीडियो आपको आप तक पहुंच सके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।